जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रेलवे इन्फोटेक पर। दोस्तों आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। साथियों आज की वीडियो में हम झांसी कानपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। साथियों वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले आपसे आग्रह है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों आइए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। साथियों आपको जानकारी के लिए बता दें कि झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के चलते यहां से चलने वाली 10 गाड़ियों को वैकल्पिक रास्ते से आगे बढ़ाया गया है, साथ ही 4 सवारी गाड़ियों को निरस्त किया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 14 जुलाई तक इस ट्रैक पर कार चलने से गाड़ियों का संचालन प्रभावित रहेगा। साथियों शनिवार को ग्वालियर बरौनी मेल को ग्वालियर भिंड इटावा के रास्ते कानपुर सेंट्रल भेजा गया। इसी तरह गाड़ी संख्या 15066 पनवेल गोरखपुर व गाड़ी संख्या 15030 पुणे गोरखपुर और गाड़ी संख्या 12591 गोरखपुर यशवंतपुर को झांसी से ग्वालियर होते हुए इटावा के रास्ते कानपुर सेंट्रल भेजा गया। साथियों इसके अलावा गाड़ी संख्या 12107 लोकमान तिलक सीतापुर व गाड़ी संख्या 11079 लोकमान तिलक टू गोरखपुर व गाड़ी संख्या 11080 गोरखपुर टू लोकमान तिलक के साथ साथ गाड़ी संख्या 12511 गोरखपुर टू कोचुबेली समेत अन्य गाड़ियों को आगरा कैंट से इटावा के रास्ते कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भेजा गया, जिससे इन ट्रेनों को कानपुर तक का सफर करने में 2 घंटे का अधिक समय लगा। साथियों इसके अलावा गाड़ी संख्या 01252 मऊ लोकमान तिलक शनिवार तक रद्द की गई व गाड़ी संख्या 09465 अहमदाबाद दरभंगा व गाड़ी संख्या 02575 हैदराबाद टू गोरखपुर के अलावा गाड़ी संख्या 19305 डॉक्टर अंबेडकर नगर कामाख्या समेत अन्य गाड़ियां निरस्त की जा चुकी हैं। साथियों इन सभी गाड़ियों के अलावा कुछ अन्य गाड़ियां भी हैं जिनको निरस्त किया गया है, जिसमें गाड़ी संख्या 02576 गोरखपुर हैदराबाद रविवार से व गाड़ी संख्या 19306 कामाख्या टू डॉक्टर अंबेडकर नगर निरस्त रहेगी, जबकि गाड़ी संख्या 12143 व गाड़ी संख्या 12174 के साथ साथ 12511 के साथ साथ अन्य कई गाड़ियों को वैकल्पिक रास्ते के सहारे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। और 14 जुलाई तक कार पूरा होने के बाद इन ट्रेनों की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होगी। साथियों इसलिए आपसे आग्रह है कि यदि आप बताई गई ट्रेनों व इस मार्ग से यात्रा करने जा रहे हैं तो कृपया एक बार अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें, इसके बाद ही यात्रा करें, क्योंकि शायद जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं आपकी ट्रेन उस रास्ते से न जाकर दूसरे रास्ते से जाए। इसलिए एक बार अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें कि वह कैंसिल तो नहीं हो गई है। धन्यवाद दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं। आगे फिर मिलेंगे और नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।